हेलो दोस्तों, वीडियो में मैं अपने पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, अभी बहुत ही जरूरी हो गया है कि हम अपनी एक्टिव इनकम, जो कि जॉब या फिर जो बिजनेस इनकम है, वो तो हमारी चलती ही रहे, लेकिन एक पैसिव एक इनकम सोर्स भी बनना चाहिए। रीजन इसका है क्योंकि अभी जो ले ऑफ के न्यूज आ रहे हैं, देखिए नवंबर 2021, एक साल पहले ही जाइए, हम न्यूज सुनते थे 80% 100% का ग्रोथ मिल रहा है आईटी के जो इम्प्लॉयज हैं, और 2022 में हमको हायरिंग फ्रीज और इस हिसाब से ले ऑफ हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ही पेन करता है, और मैं एक चीज पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि आपकी उम्र 23-24 साल हो या फिर 35-36 साल, मतलब मेरी उम्र के हो, कहीं पर आप थोड़े मिडिल मैनेजमेंट में पहुंच गए हो या फिर थोड़े सीनियर लेवल में 40-45 साल में भी पहुंच गए हो, किसी भी उम्र में पैसिव इनकम सोर्सेस चाहिए, ताकि कोई अगर शॉक आता है तो उन शॉक का आप सामना कर सके। तो सबसे पहला सोर्स है डिविडेंड्स, जहां पर मैं बहुत बिलीव करता हूं, क्योंकि डिविडेंड, हमने किसी भी स्टॉक को खरीदा है और उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है और अपने प्रॉफिट में से उन्होंने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो डिविडेंड्स की जब हम बात करते हैं, तो मैं जो यील्ड है उसको चेज नहीं करता हूं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत होता है। जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस घूम रहे होते हैं कि इंडियन ऑयल को खरीद लीजिए या किसी दूसरी ऑयल कंपनी को खरीद लीजिए, आपको 8-10 और सो जाइए, बिल्कुल 8-10 साल आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 7-8% की जो यील्ड है, वो अगर किसी साइक्लिकल सेक्टर में अगर आपने लिया है तो वो सस्टेनेबल नहीं होती है। जैसे पिछले साल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, टाटा स्टील, इन सब ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था, मतलब मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम इस मोमेंट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दोनों के दोनों लॉस में है। टाटा स्टील 87% उन्होंने, अब उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो गिरे हैं। तो साइक्लिकल सेक्टर में वो रिस्क होता है, साइक्लिकल सेक्टर जैसे मेटल सेक्टर हो गया या ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, जहां पर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में या आपके हाथ में नहीं होती है। ग्लोबल कोई भी एक न्यूज आ जाती है जिसके ऊपर से बहुत सारी चीजें, मैं कहूंगा, उथल पुथल हो जाती है। तो मैं बहुत यील्ड को चेज नहीं करता हूं, मैं स्टेबल जो कुछ डिविडेंड स्टॉक्स है वहां पर रखता हूं, जहां पर कंपनी जो है प्राइस अप्रिसिएशन भी देती रहे, और अगर वो नहीं भी दे पा रही है, जैसे आईटी सेक्टर 2022 अभी नवंबर में बड़े तकलीफ में है, मुझे पता है, और अगले 6 महीने 1 साल भी शायद तकलीफ रहेगी, लेकिन ग्रो कर रही है तो उनका जो डिविडेंड है वो स्टेबल है। अभी जैसे कुछ आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सब ने अपने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टील सेक्टर या फिर ऑयल की तरह कि उन्होंने अपने डिविडेंड कम किए हो, इनफैक्ट आप देख वेरीफाई कर सकते हैं, सबने कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दिए हुए हैं। तो ये कुछ स्टेबल सेक्टर है। फिर कुछ गवर्नमेंट कंपनियां पिछले कुछ सालों से स्टेबल डिविडेंड दे रही है। देखिए, जब तक प्रॉफिट करते रहे डिविडेंड आता रहेगा। अब एज एन एक्टिव इन्वेस्टर आपको भी देखना है कि ये प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर किसी का प्रॉफिट कम हो जाता है भविष्य में किसी भी रीजन के लिए, तो फिर आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे अभी एनटीपीसी है या पावर ग्रिड है, आईआरएफसी, सब बढ़िया कर रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो पिछले कुछ सालों से स्टेबल डिविडेंड दे रहा है। आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड स्टॉक है, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने नहीं है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे दूसरे नाम भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं कोई 7-8, देखिए कोई भी इनमें से 5-6-7-8% वाला डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक होगा, एक दो को छोड़कर, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि कौन स्टेबल डिविडेंड दे सके, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कभी भी आपको लगे किसी क्वार्टरली रिजल्ट में कि अब ये स्टेबल डिविडेंड नहीं दे सकता है, तो फिर हमको फिर नेक्स्ट डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल्स है। फाइनेंशियल्स देखिए, यहां पर आपकी बाइंग प्राइस बहुत मैटर करती है। जैसे मेरी बाइंग प्राइस इन तीनों में ही बहुत ही कम लेवल पर थी, तो जिसकी वजह से मेरी कुछ डिविडेंड यील्ड बन जा रही है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल्स में ये डिविडेंड के लिए नहीं होते हैं, मोस्टली ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेबल स्टॉक्स को मैं मिक्स करता हूं, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड, तो हमेशा यही सर्च रहता है कि ऐसे स्टॉक्स मिले, और ये एक पोर्टफोलियो को भी स्टेबिलिटी देते हैं। दूसरी चीज है जो पिछले कुछ सालों से फेमस हो रही है, वो है रीट, और दूसरी है इनविट।
ठीक है, जैसे कुछ रीट है, जैसे माइंड स्पेस रीट है, या फिर ब्रुकफील्ड या एम्बेसी, ये कुछ रीट अभी लिस्टेड है। इनविट में जैसे पावर ग्रिड इनविट या फिर इंडिग्रिड इनविट, ये लिस्टेड है। इनविट एक अच्छा, लगभग मैं देख रहा हूँ पिछले, मतलब इस साल की अगर हम बात करें तो 8.5 से 9.5% की यील्ड ये दे पा रहे हैं। रीट का भी अगर हम यील्ड देखें अभी फिलहाल 5.5 से 6.5% के आसपास की, अलग अलग रीट की जो भी है यील्ड उसके आसपास बन रही है, जो कि मैं कहूंगा डिसेंट एक यील्ड यहां पर बन रही है। बट ये बहुत ही न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इन सबको बेच के मैंने सब पैसा इनविट में लगा दिया और मुझे 9% मिलेगा। देखिए थ्योरिटिकली मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता है अगले साल क्या होगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज नई मार्केट में आती है तो एटलीस्ट मुझे लगता है 4-5 साल हो जाए तभी इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थ्योरिटिकली सब कुछ हो सकता है कि आपने सब पैसा निकाल के इन्विट में डाल दिया। मुझे अभी कोई सज्जन कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि 25% मैंने पैसा डाला हुआ है, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए यूएस में जो मार्केट है वहां इन्विट रीट बहुत ही मैच्योर्ड प्रोडक्ट्स है, दशकों से वहां चल रहे हैं। इंडिया में अभी पोटेंशियल शुरू हो रहा है, तो हम लोगों का अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो 4-5 साल के बाद मुझे लगता है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देते हैं, गड़बड़ नहीं कहीं करते हैं, तो फिर एक स्टेबल इनकम सोर्स बन सकता है, खासकर जो लोग रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ये बहुत ही मेरी नज़र में है, पोर्टफोलियो का मेरा एक छोटा हिस्सा यहाँ पर भी है। पिछले 1-1.5 साल से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है रीट और इनविट में, लेकिन क्या मैं पूरा पैसा इसमें डाल रहा हूँ? नहीं, अभी नहीं, बट धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा है ऑनलाइन कोर्सेस। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, एक रेस्ट्रिक्शन दिमाग ही दे देता है कि हमें क्या पता है, हम कहां वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सबके पास नॉलेज है, आपके पास भी बहुत सारी चीज है जो दुनिया जानना चाहती है, देखना चाहती है, समझना चाहती है, और वो जो यूनिक स्किल्स है उसको आप उपयोग में बिल्कुल लाइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरी यूनिक स्किल अगर मैं कहूंगा कि मुझे रिसर्च करना, स्टॉक मार्केट, फिर सेक्टर एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, और चूंकि मैं एक इन्वेस्टर भी हूं तो ये एक मेरी यूनिक स्किल है, जिसको मुझे, अगर आप मुझे 10 रिसर्च रिपोर्ट दे देंगे तो मैं 3 घंटा पढ़ लूंगा। वो पढ़ने के लिए मैं अपना ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं लेता हूं, वो आराम से मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है। लेकिन मुझे अगर आप आज कोई ब्यूटी वीडियोस दिखा देंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। इसीलिए सबकी यूनिक स्किल्स है और आपको अपना यूनिक स्किल्स पर काम करना है। यहां आपको क्वेश्चन होगा ऑनलाइन कोर्सेस है, कहां से शुरू करें, कौन हमको सपोर्ट देगा, तो इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनएकेडमी के ग्राफी करके है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो कोर्सेस, जहां पर आप बना सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना है तो आप अनलिमिटेड कोर्सेस यहां अपलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड लर्नर्स आपके पास हो सकते हैं। आपको जूम में क्लास लेनी है ऑनलाइन, तो जूम का इंटीग्रेटेड यहां पर प्लेटफॉर्म भी है, जहां पर 500 तक आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकते हैं। तो एक तरीके से आपका ये LMS या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ रही है, और आपको वो जो कोर्स है आपको बस सिंपल पढ़ाना शुरू करना है, और जो पेमेंट जो है वो भी, जो भी आप कोर्स का प्राइस रखेंगे, और आपको जो पेमेंट भी जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही टाइमली पेमेंट भी हो जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चौथा इनकम सोर्स है एफिलिएट इनकम। यहां पर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाता हूं, मतलब समझ लीजिए आप का कंटेंट आप बनाते हैं, कोई कंपनी अप्रोच करेगी और कहेगी कि ये हमारा प्रोडक्ट है और आप इसको प्रमोट करिए, आपको एक हम यूनिक लिंक दे रहे हैं, और अगर कोई इस यूनिक लिंक के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदेगा तो कमीशन का एक पार्ट आपको मिलेगा, तो ये एफिलिएट इनकम एक तरीके से आप मान सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे, जैसे मैं पर्सनली 10 में से 8 लोगों को मैं मना ही कर देता हूँ। जैसे 2021 में मुझे क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे ऑफर्स आए, मैं चाहता तो बहुत सारा, मैं एग्रेसिव,
मैं उन लोगों को मार्केटिंग कर सकता था, बट मैं खुद बिलीव नहीं करता हूँ क्रिप्टोस के ऊपर, कभी मैंने इन्वेस्ट किया भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी मतलब स्पेकुलेटिव एसेट में किसी का पैसा बनता है। और 2022 में मुझे लगता है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को मैंने कभी रिप्लाई भी नहीं दिया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ रही है। लेकिन जो कुछ जेन्युइन चीज़ें होती है, जैसे कुछ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आते हैं या फिर ये जो से ग्राफी है या फिर जो दूसरे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि लोग अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो मैं ज़रूर उन उन जो कंपनीज हैं उनके साथ बातें करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा यही रहता है कि मैं उन प्रोडक्ट को क्या खुद यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे फिनग्रेड है, फिनग्रेड में मेरे खुद के कोर्सेस हैं तो मैं प्रोडक्ट को खुद यूज़ कर रहा हूँ। ग्राफी, वहाँ पर मेरे खुद के मतलब जो कोर्सेस हैं वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं खुद जो कि यूज़ करता हूँ तो कॉन्फिडेंटली मैं उनको भी जो है एज एन एफिलिएट मैं बात कर सकता हूँ। तो ये कुछ इनकम सोर्स है, बट देखिए ये एक नॉलेज लेवल का वीडियो है और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल आपको मैं कॉन्फिडेंटली कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ 4 तक ही सीमित मेरी इनकम पैसिव इनकम सोर्सेस हैं, लेकिन बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्सेस होते हैं। तो जरूर नए नए जो आइडियाज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ताकि पूरी कम्युनिटी को नए नए आइडियाज मिलते रहें। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।